नमस्कार, न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रूही, आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी हिमानी पांडे ने बढ़ते कदम 2012 के अभियान रथ को किया रवाना। हर हर गुटू में विवादित जमीन को लेकर दो परिवार आपस में भिड़े, दो महिला सहित पांच जख्मी। और शिवशास्त्र सेना ने अफजल गुरु के पुतले को दी फांसी। खबरें विस्तार से। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड आज जमशेदपुर की ओर से जिले के निशक्त व्यक्तियों को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए निकाले गए बढ़ते कदम 2012 के अभियान रथ को आज उपायुक्त हिमानी पांडे ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ की रवानगी के समय उपायुक्त कार्यालय परिसर में अभियान से जुड़े लोगों के अलावा PAMHJ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। डीसी हिमानी पांडे ने कहा कि यह रथ 22 से 27 नवंबर तक जिले के सभी 11 प्रखंडों का भ्रमण करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य निशक्त व्यक्तियों को हक और अधिकारों के प्रति जागरूक कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। लॉन्च हुआ है बढ़ते कदम के नाम से, और इसमें हम लोग हर ब्लॉक मुख्यालय में जा कर के वहाँ पे सभी लोगों को जो निशक्तता से संबंधित जो भी अधिनियम है, नियम है, और उनको क्या सुविधाएं प्रदत्त की जानी है, उनके क्या अधिकार हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी हम लोग लोकल लेवल कमेटी जो हमारी काम कर रही है इस क्षेत्र में, हमारे ज़िला में हम लोग के हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गए हैं अभी, जितने बच्चों के सर्टिफिकेट्स हुए हैं। पर मुझे अभी भी लगता है कि एक गैप है जिसको हम लोग प्रतिपूर्ति कर पाएंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नेटवर्क के अंतर्गत आ सकें। हरर गुटू स्थित LBSM कॉलेज रोड पर विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर दो परिवारों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक परिवार के पांच लोग जख्मी हो गए। उनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। घायलों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। घटना गुरुवार दिन की है। घायलों के नाम कमलेश कुमार, गणेश कुमार, चंदा देवी, रेखा झा और सुधीर राय बताए जाते हैं। कमलेश कुमार और उनकी पत्नी रेखा झा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद डॉक्टर JP सिंह विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे। जब हम लोगों ने निर्माण कार्य का विरोध किया तो डॉक्टर JP का पूरा परिवार उन लोगों के ऊपर टूट पड़ा। आज वो बोलते हैं कि उसमें मेरा जमीन है, आज से कर 6 महीना पहले, जिसके पहले केस भी हुआ कोर्ट में, मैंने 144 उस जमीन पे लगा हुआ और उस पर वो घर बना रहे थे। हम अकेले थे और तो कोई था नहीं। हमने जाके ऑब्जेक्शन किया, ये कल भी किया था मैं ऑब्जेक्शन, क्योंकि कल तो हमने कल से काम नहीं होगा, आज भी सुबह का काम हो रहा था, हम ऑब्जेक्शन किए। लेकिन पहले से 20-25 आदमी को बुला के रखा था, हमको तो नहीं मालूम है कि इतना हद तक हो जाएगा। बस उसी दरमियान वो निकला, मेरा भी जाके दीवार देख सकता है, कोई भी आदमी मेरा जमीन का पेपर देख सकता है, उसका भी जमीन का पेपर में देखे, हम फॉल्ट है वो पर। जब 144 है तो जमीन पर क्यों हो रहा है? थाना का काम है कि थाना इस पर रोकवाए, थाना भी मिला हुआ है, नहीं तो 144 थाना का ही टाइम में लगा है, कोर्ट भेजा हुआ, कोर्ट में उसका डायरी है और उस पर वो घर बन रहा है, यही मामला है। हम तो अकेले थे, लेडीज लोगों का वो हाल है, मेरे छत पे जाके देखिए कितना ईंटा पत्थर है, हमने नहीं जाके रख दिया है, मेरे घर में जाके देखो, वहाँ का जो एरिया का आदमी उससे पूछे प्रशासन, वहाँ जाके इंक्वायरी करें, टोटल फैमिली मेंबर सब कुछ अचानक। शिवशास्त्र सेना ने संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु के पुतले को आज साक्षी गोलचक्कर पर फांसी दी। इस दौरान शिवशास्त्र सेना के लोग अफजल गुरु को फांसी देने की मांग कर रहे थे। संस्था के शंभू चौधरी ने कहा कि संसद पर आतंकी हमला हुए करीब 12 वर्ष हो गए। हमले के आरोपी अफजल गुरु को लंबे समय से गिरफ्तार कर रखा गया, उसके रखरखाव पर भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है, केंद्र सरकार को अविलंब उसे फांसी पर लटकाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अफजल गुरु को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अफजल गुरु को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अफजल गुरु को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अफजल गुरु को फांसी दो, अफजल गुरु को। आतंकवादी जिसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हमला किया था, उस आतंकवादी को केंद्र सरकार ने अभी तक फांसी नहीं दिया है, जिसको फांसी आज शिवशास्त्र सेना जमशेदपुर साक्षी गोलचक्कर में दिया है। और सरकार को बताना चाहता है कि वैसे आतंकवादी को किसी रूम में फांसी नहीं देना है,
ऐसे गोलचक्कर में सार्वजनिक रूप से आम जनता के बीच में फांसी दिया जाएगा जो शिवशास्त्र सेना ने आज उसका फांसी दे दिया है, और वैसे व्यक्ति प्रदेश का कोई भी खर्चा नहीं होगा। कदमा की रहने वाली शिवलीसा नामक महिला को दहेज के लिए उसके ससुर और ननदों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता अपने पति के साथ न्याय मांगने आज एसएसपी के पास आई थी। पति गौतम शाह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उसके पिता और बहनें दहेज के लिए उसकी पत्नी को हमेशा प्रताड़ित करते हैं। मेरे पापा जो है वो अभी मेरी शादी होके 1 साल 4 महीने हो रहा है। मेरे शादी के बाद मेरे पापा लोगों जो है मेरी वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर उर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद। क्या नाम है आपकी वाइफ? मेरी वाइफ की नाम शिवली साह है। कहाँ रहते हैं? कदमा उलियान में रहते हैं। कौन टॉर्चर कर रहा है? मेरे पापा और मेरी बहन और जो शादीशुदा बहन है वो लोग भी आके टॉर्चर करते हैं। वहीं पीड़िता ने कहा कि ससुराल वालों की प्रताड़ना के संबंध में कदमा पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो दोनों आत्मदाह कर लेंगे। अनुरोध करते थाना वालों तो नीलन एसपी करके एसपी तो नीलन तो हमारे तले किचु ना है, हमारे समाज किचु ना है बहुत ने मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुहर्रम के मद्देनजर क्षेत्र के सभी इमामवाड़ा क्षेत्रों की साफ सफाई और टैंकर से जलापूर्ति करने की मांग की है। शम्स तबरेज आलम ने कहा कि प्रशासन की उदासीनता के चलते क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन को अविलम्ब इमामवाड़ा क्षेत्रों की साफ सफाई करते हुए वहाँ पानी आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे जो मानगो क्षेत्र में इतनी गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है और गंदगी के वजह कर मच्छरों चुप रहे करे। गंदगी के वजह कर जो है मच्छरों का इतना प्रकोप बढ़ गया है कि हर इंसान परेशान है। जिस कई दिनों से फॉगिंग का मशीन का भी ये नहीं हुआ है और ब्लीचिंग पाउडर का जो छिड़काव होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है, और अभी हम लोगों को मुहर्रम में जो लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी वो सभी जगह हम लोग जो है विशेष पदाधिकारी से आए हैं मांग करने के लिए कि हर इमामबाड़ा पे जो है टैंकर के माध्यम से जो है जल पूर्ति कराया जाए, और सभी को जो है 9 तारीख और 10 तारीख जो है हमारा मुहर्रम का जो महीना है उसके 9 और 10 तारीख को वो जल पूर्ति कराया जाए। हरि परिमंडल गोष्ठी की ओर से कीर्तन आधारित गायन व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 25 नवंबर को सोनारी कबीर मंदिर स्थित हरि परिमंडल गोष्ठी कार्यालय परिसर में होगा। यह जानकारी संस्था के अरविंद कुमार लाल ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा आम जनता भी भाग ले सकती हैं। प्रतिभागियों के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपए रखा गया है। संगीत समाज म्यूजिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में इस कीर्तन आधारित गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता का अनोखा अद्वितीय किस्म का प्रोग्राम है। फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली के मामा एवं टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी महमूद हसन का बीती रात इंतकाल हो गया। उनका जनाजा गुरुवार को सर्किट हाउस एरिया स्थित आवास से निकला, जिसमें इम्तियाज अली के अलावा टाटा स्टील के कई अधिकारी शामिल हुए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बिष्टुपुर स्थित स्कूल ऑफ होप में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिष्टुपुर थाना प्रभारी अवध कुमार यादव मौजूद थे। उन्होंने कहा कि निःसक बच्चों के बीच में आकर उन्हें काफी खुशी हो रही है। स्कूल के कुछ स्पेशल बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनसे सामान्य बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं, बच्चों के बीच में रहना इसे भी बहुत अच्छा लगता है, और खास करके आज के दिन पर, और इन बच्चों के बीच में अपने आप को पाकर बहुत खुशी हो रही है, और यहाँ के पता भी चला कि यहाँ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, यह जानकर बड़ा खुशी और गर्व महसूस होता है। सीडी साई सेवा ट्रस्ट की ओर से आगामी 25 नवंबर को सोनारी कागल नगर मैदान में 13वां साई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा गरीबों के बीच कंबल का भी वितरण किया जाएगा। ट्रस्ट के बीपी सिंह ने आज पत्रकारों को बताया कि साई महोत्सव के तहत आरती, साई पूजन, भजन, पालकी यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे।
हर वर्ष की बात हम लोग 13वां साइन वर्ष मना रहे हैं सर 25 नवंबर को उस अखंड साइन नाम कीर्तन होगा जो 25 सुबह 6 बजे तक चलेगा 6:30 बजे फिर काकर आरती होगी 25 नवंबर को उसके बाद 7:30 बजे स्नान 9:30 बजे बाबा का अभिषेक 10:30 बजे से लोकल कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा और 12 बजे आरती होगी। पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर पुलिस और राबिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने बुधवार को गोलमोरी स्थित राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट परिसर में संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित कर करीब 100 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल का वितरण सिटी DSP KN चौधरी, गोलमोरी थाना प्रभारी इंदु भूषण ओझा और संस्थान के डायरेक्टर जावेद अख्तर के हाथों हुआ। अपने संबोधन में जावेद अख्तर ने कहा कि आज गरीबों के बीच कंबल का वितरण कुख्यात आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने की खुशी में किया जा रहा है। कसाब को इस अंजाम तक पहुंचाने वाले अधिकारियों की उन्होंने तारीफ की। समाज में जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये एहसास हो कि उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारी सोसाइटी उनके लिए भी काम करती है, उसमें पड़ोसी के लोग भी है और हमारे चारों तरफ जो गरीब लोग हैं कूपन है और वो अपने अपने कूपन लेके आए और DSP साहब के हाथों से अपने अपने कंबल लेके वीरेंद्र जी के हाथ। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 स्थित जटाधारी शिव हनुमान मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हेतु 21 नवंबर से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्णाहुति 4 चरणों में होगी। यह जानकारी मंदिर कमेटी के राजवर्धन ने आज पत्रकारों को दी। बाबा जटाधारी शिव हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आमंत्रित किए हैं। आज दिनांक 22 नवंबर 2012 दिन बृहस्पतिवार नौमी तिथि को बाबा जटाधारी शिव हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का द्वितीय चरण सफल हुआ। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्णाहुति 4 चरणों में होगी, जिसमें द्वितीय चरण में हम लोग सभी भगवान का अधिवास का कार्यक्रम होता है। वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सभी भगवान का अन्न अधिवास, जल अधिवास किया जाता है। कौन आ रहे हैं उद्घाटन समारोह में आपको? इस मंदिर का पूर्णाहुति पे जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का पदार्पण होगा और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्णाहुति संपन्न करेंगे। केला पब्लिक स्कूल मानगो का आज एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसके तहत एथलीट के कई इवेंट आयोजित किए गए। प्रिंसिपल अलका शाह ने कहा कि एनुअल स्पोर्ट्स में स्कूल के बच्चों के अलावा दोपहर बाद चलने वाले प्रोजेक्ट स्कूल के करीब 80 बच्चे भाग लिए हैं। एनुअल स्पोर्ट्स डे है, ये साल में एक बार हम ऑर्गेनाइज करते हैं और ये 18th एनुअल स्पोर्ट्स डे, पिछले 17 साल से हम लोग का ये स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होता है। कितने बच्चे इस स्पोर्ट्स में भाग लिए हैं, क्या क्या तरीके का स्पोर्ट्स यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पे 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, रीले, शॉर्ट पट, लॉन्ग जंप, डिस्कस, इस तरह के खेल का आयोजन किया गया।